गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी आर हियर टू एक्सप्लेन द थॉट ऑफ द डे। टुडेज थॉट ऑफ द डे इज वेरी सिंपल, वर्क इज वर्शिप। दिस हैज बीन प्रीच्ड बाय लॉर्ड कृष्णा टू अर्जुन इन द फेमस वार ऑफ महाभारत। एंड हियर द लाइन मीन्स दैट देयर आर मेनी वेज ऑफ वर्शिप। देयर आर मेनी वेज ऑफ वर्शिप। We are free to select our own, but there is a uniformity about the result. The result comes only when we work honestly and perfectly. There is no option at all. So work is worship. The best way of worship is to work and to work only. Now the time is for the explanation in Hindi. कर्म ही पूजा है, श्री कृष्ण बोले थे गीता में। अर्थात हमें सिर्फ काम करना चाहिए ईमानदारी से, संपूर्णता से, क्योंकि धर्म के रास्ते बहुत हैं, पूजा करने के तरीके भिन्न भिन्न हैं, लेकिन सभी पूजा पद्धतियों में एक बात तो है कि हम पूजा करते हैं प्रसाद के लिए ही। प्रसाद तभी मिलेगा जब हम पूजा ठीक से करेंगे। तो हमें जीवन में सफलता तभी मिलेगी जब हमारे समक्ष जो कार्य हैं उसे हम पूर्णता के साथ, ईमानदारी के साथ संपन्न करें। तो कर्म ही पूजा है। सबसे अच्छी पूजा वो है कि जो जिसमें हम अपना काम ईमानदारी से करते हों। निश्चित रूप से कर्म ही पूजा है, श्री कृष्ण का यह कथन शिरोधार्य है। नाउ द टाइम इज फॉर द एक्सप्लेनेशन इन भोजपुरी। काम करना ही जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य है। हम सबके मिलजुल के काम करे के चाहिए। हमारा समक्ष में जो काम है, वो काम अगर ईमानदारी से कैल जाए तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिली जीवन में। तो जीवन में सफल होना हर आदमी के उद्देश्य है। पूजा करे के तरीका अलग अलग है, धर्म डिफरेंट डिफरेंट है, दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म है, लेकिन पूजा करे के तरीका भी भिन्न भिन्न है। पर सबके अंत में हमने के प्रसाद मिले के चाहिए, मतलब सफलता मिले के चाहिए, जीवन में संतोष होए के चाहिए। तो संतोष होए के लिए निश्चित रूप से जब तक हमने अपन काम ठीक से न करब तब तक सफलता ना मिली, संतोष ना मिली। ए लेल अपन कर्म निश्चित रूप से ईमानदारी से पूर्णता के साथ करे के चाहिए। कर्म ही पूजा है, भगवान श्री कृष्ण के कथन निश्चित रूप से महान बा, हमने के माथा पर रखे के चाहिए। Now the time is over, so thank you for viewing. Have a nice day.